हेलो एंड वेलकम बैक प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता है और कौन कौन से उसके की पॉइंट्स है जो मशीन लर्निंग के अंदर यूज किए जाते हैं उन सबको जो है हमने डिस्कस किया था अब उस मशीन लर्निंग के डेफिनेशन में एक कीवर्ड था मशीन लर्निंग अब उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है लर्निंग अब लर्निंग बेसिकली क्या होता है लर्निंग आपका एक प्रोसेस होता है जो कि हम एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं अब कौन सी एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए ट्रेन करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए अब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जब ट्रेन करने के लिए हमारे इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसको हम लर्निंग बोल रहे हैं ये हम यूज़ क्यों करते हैं ये हम यूज़ करते हैं टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस हमारा जो डेटा जिसके बेस पे जो है हम हमारी एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं उसके अंदर से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उन पैटर्न्स के बेस पे उस डेटा के बेस पे प्रिडिक्शंस को मेक करने के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए जो है हम हमारे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली लर्निंग का यूज़ करते हैं अब इसको भी जो है कुछ की पॉइंट्स में समझते हैं ताकि इजीली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि लर्निंग बेसिकली होता क्या है अब जिस एल्गोरिदम की मैंने आपको बात की जिसको हम ट्रेन करते हैं अब उस एल्गोरिदम को जो है हम लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा से जो है ट्रेन करते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ एक वास्ट अमाउंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का ट्रेनिंग डेटा जो है हम हमारी एल्गोरिदम के अंदर फेड करते हैं या फिर स्टोर करते हैं ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है ये पेयर्स की फॉर्म में यूज़ होता है जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो इनपुट आउटपुट पेयर की फॉर्म में जो है रहता है बिकॉज जब भी हम एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे तो उसको पता होना चाहिए कि ये हमारा इनपुट वेरिएबल है और ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है और उसी बेसिस पे जो है हमारी एल्गोरिदम उस इनपुट आउटपुट पेयर के ट्रेनिंग डेटा सेट में से हमारे पैटर्न्स को अंडरलाई करेगी यानी कि एक्सट्रैक्ट करेगी समझेगी और उस इनपुट आउटपुट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को समझेगी और जब वो एल्गोरिदम हमारे ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन होने के बाद हमारे पैटर्न को समझ लेगी और किस तरीके से इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है उसको समझने की हमारी एल्गोरिदम तो जो है हम उसके गोल पे पहुंच जाते हैं जहां पे जो है हमारी एल्गोरिदम हमारे लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकती है और न्यू एंड अनसीन डेटा यानी कि जो डेटा हमारे पास नहीं है उसका भी जो है हम आउटपुट निकाल सकते हैं आउटपुट प्रिडिक्ट करा सकते हैं क्योंकि हमारी एल्गोरिदम ने जो है हमारे ट्रेनिंग डेटा में से इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप समझ लिया है कि किस तरीके से कितनी रेंज के इनपुट डेटा पे हमें कितना आउटपुट मिलना चाहिए तो ये जो है हमारा मशीन लर्निंग का एक, एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ से निकल के आता है कि मशीन लर्निंग को जो है हम फ्यूचर प्रडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं अब लर्निंग बेसिकली आपकी तीन टाइप की होती है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर डिवाइड की गई है पहली आती है इसके अंदर हमारी सुपरवाइज लर्निंग ये जो है हमारी टास्क ड्रिवन होती है टास्क ड्रिवन का मीनिंग है कि जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है उस डेटा के अंदर से जो है हमें कुछ टास्क करवाना है हमें कुछ प्रिडिक्ट करवाना है अब प्रिडिक्शन का काम जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होगा क्यों सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कराते हैं प्रिडिक्शन कराते हैं और प्रडिक्शन हमारा क्या होता है एक टास्क होता है अब इसके अंदर स्पेसिफिकली दो टाइप की एल्गोरिदम्स हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन अब इनके अंदर भी इनके सब टाइप्स है जो कि हम हमारी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अभी के लिए सेकेंड हमारी लर्निंग एल्गोरिदम है या फिर लर्निंग टेक्निक है अनसुपरवाइज लर्निंग अब अनसुपरवाइज लर्निंग जो है सुपरवाइज लर्निंग से कंप्लीटली डिफरेंट है बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम जो है हमारा ट्रेनिंग डेटा जो हम प्रोवाइड करते हैं वो लेबल्ड होता है यानी उसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों पता होते हैं मशीन को बट अनसुपरवाइज लर्निंग को जो है हम डेटा ड्रिवन बोलते हैं डेटा ड्रिवन क्यों बोलते हैं बिकॉज अनसुपरवाइज लर्निंग को जो ड्राइव करता है वो करता है हमारा डेटा अब डेटा किस तरीके से ड्राइव करता है बिकॉज़ अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक का हम उसी टाइम यूज़ करेंगे जब हमारे डेटा का हमें आउटपुट नहीं पता होगा यानी कि जब हमारे पास सिर्फ इनपुट होगा और हमें आउटपुट नहीं पता आउटपुट हमारे डेटा के अंदर नहीं है तो हम अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक का यूज़ करेंगे और हमारी मशीन लर्निंग जो है हमें आउटपुट निकाल के दे देगी ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डेटा अब इसके अंदर एक हमारी अल्गोधम यूज होती है जिसे हम बोलते हैं क्लस्चरिंग अभी बेसिकली डेटा ड्रिवन क्यों होती है क्योंकि ये जो है हमारे डेटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है और उन पैटर्न्स के सिमिलैरिटी पे जो है डेटा के क्लस्टर्स बना देती है बेसिकली आपके सर्कल्स आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं क्लासेस बना देती है तो इस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है थर्ड हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक आती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग अब री लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी मिस्टेक से सीखती है मिस्टेक से सीखने का मतलब है आपने ए आई गेम्स देखे होंगे या फिर आपने कोई भी गेम्स खेले होंगे जो कि ऑटोमेटिकली खेले जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर उन गेम्स को प्ले कर रहा है अब जहाँ पे भी वो कंप्यूटर उस गेम को प्ले कर रहा है तो वहाँ पे जो है कंप्यूटर अपनी गलतियों से बार बार सीखता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेस का एग्जाम्पल लूँ तो एक उसमें यूज़र होता है जो कि ह्यूमन प्ले कर रहा होता है गेम को और सेकेंड कंप्यूटर होता है या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर से जो है आपके साथ चेस को खेल रही होती है या फिर चेस को प्ले कर रही होती है तो बहुत बार देखा होगा आपने कि अगर एक बार कंप्यूटर ने कोई मिस्टेक की उस चेस के रोबोट ने मैं बोल सकता है या फिर उस चेस बोर्ड ने अगर कोई मूव गलत चल दिया तो नेक्स्ट टाइम वो उस मूव को नहीं चलेगा तो जो हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है वो मिस्टेक से सीखती है और इसके अंदर हमारा फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है अगर आपने मूव सही यूज़ किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ताकि आप उस मूव को जो है फ़्यूचर में यूज़ कर सके और अगर आपने मूव गलत चूज़ किया तो आपको फ़ीडबैक मिलेगा और रिवॉर्ड जो है नेगेटिव में मिलेगा जिससे हमारे रोबोट को या फिर मशीन को पता रहेगा कि मुझे इस मूव का फ्यूचर में यूज़ नहीं करना है तो इस तरीके से ये बेसिक ओवरव्यू था आपका लर्निंग का और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स का कि किन तीन तरीके की आपकी मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं स्पेसिफिकली सुपरवाइज लर्निंग जिसको हम टास्क ड्रिवन बोलते हैं सेकेंड आती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग जिसको हम डेटा ड्रिवन बोलते हैं और थर्ड आती है इसके अंदर हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स या फिर फीडबैक एंड रिवॉर्ड लर्निंग सिस्टम अब इनके अंदर की कुछ एल्गोरिदम जैसे कि पे मेंशन है है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्लस्टरिंग और लर्निंग के अंदर आती हमारी की एल्गोरिदम हम इस थ्रू आउट द सीरीज डिस्कस करेंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि हम मशीन लर्निंग कंप्लीट जो है इस थ्रू आउट द सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे चाहे वो उसके स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हो या उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट हो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में यूज किया जाता है तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे अब हम सुपरवाइज लर्निंग को डिटेल में समझेंगे थैंक यू